हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऋषभ मिश्रा ब्लॉग्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सबसे पहले तो मैं आप सभी को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मेरे लास्ट वीडियो जो मैंने गोल्डन गेट ब्रिज पे की थी उस पर बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया है। साथ ही साथ कुछ फीडबैक्स भी आए हैं दैट आई रियली अप्रिशिएट, क्योंकि उनसे मुझे पता चलता है कि कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पर मुझे इंप्रूवमेंट करना है, जिससे कि मैं अपने अगले वीडियोज और बेटर बना सकूँ। तो आज का वीडियो होने वाला है लोम्बार्ड स्ट्रीट पे, जिसे कि वर्ल्ड की मोस्ट क्रूकेड स्ट्रीट या सबसे ट्विस्टेड स्ट्रीट भी बोलते हैं। क्या ये वाकई में सच है, ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के दौरान, और मैं आपको लेके चलता हूं लोम्बार्ड स्ट्रीट। और गाइस, हर बार की तरह मैं आपको यहां से लोम्बार्ड स्ट्रीट तक की ड्राइव भी दिखाऊंगा। बहुत पास है यहां से, 5 मिनट लगेगा मुझे जाने में, और मैं ड्राइव को बहुत क्विक रखने वाला हूं। तो इन केस अगर आपको इंटरेस्ट है उसको डिटेल में देखने के लिए कि एग्जैक्ट क्या रास्ता है, तो आप इसको स्लो मोशन में देख सकते हैं। तो फिर शुरू करते हैं गाइस। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो नहीं करते हैं तो प्लीज डू, दोनों पे मेरा यूजर नेम है ऋषभ मिश्रा ब्लॉग्स। वहां पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे सजेशंस दे सकते हैं कि कौन कौन से एरियाज हैं जो चाहते हैं कि मैं कवर करूं, तो उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो गाइस, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ ड्राइव यहाँ से लोम्बार्ड स्ट्रीट तक की, और आपको मिलता हूँ डायरेक्ट लोम्बार्ड स्ट्रीट पर। स्ट्रीट पर अब चैलेंज ये है यहाँ पार्किंग ढूंढना। ये गाइस सैन फ्रांसिस्को में बहुत बड़ा चैलेंज है। यू गाइस लीविंग? नो वरीज। गाइस सामने बहुत ही बढ़िया व्यू है, यही है लोम्बार्ड स्ट्रीट। अब बस मुझे पार्किंग ढूंढनी है। मैं आपको थोड़ा पहले एरिया दिखाऊंगा, फिर उसके बाद ड्राइव भी करूंगा। मुझे पार्किंग भी मिल गई, easier than I thought. Guys, तो मैं पहुंच चुका हूं लोम्बार्ड स्ट्रीट पर। मुझे लग रहा था कि मुझे पार्किंग मिलने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन मुझे बहुत ही जल्दी पार्किंग मिल गई। तो गाइस, फंडा ये है सैन फ्रांसिस्को में कि मंडे टू सैटरडे 9 AM to 6 PM मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे आपको आवरली बेसिस पे पार्किंग के लिए पे करना पड़ता है। अगर आप स्ट्रीट पे पार्क करेंगे, संडे को क्या है कि वो पार्किंग पूरे दिन के लिए फ्री हो जाती है। तो होता क्या है कि मैक्सिमम लोग प्लान करते हैं संडे को और वो कहीं भी जा सकते हैं, फ्री पार्किंग है और उनको पे नहीं करना पड़ता है। तो उस वजह से थोड़ी फाइट हो जाती है पार्किंग ढूंढने में, पर ठीक है, थोड़ी फाइट तो मार ही सकते हैं गिवन दैट पार्किंग इज फ्री। मैं बाहर निकल के आपको लोम्बार्ड स्ट्रीट दिखाता हूं, थोड़ा एरिया दिखाता हूं, और मैं वहां पे वॉक करूंगा और वहां ड्राइव भी करने वाला हूं। हाय गाइस, मैं एग्जैक्टली पहुंच चुका हूं लोम्बार्ड स्ट्रीट पर, और मैं आपको दिखाता हूं यहां पे क्यों इसे बोला जाता है वर्ल्ड की मोस्ट क्रूकेड स्ट्रीट। ऑलराइट गाइस, ये वर्ल्ड की है मोस्ट क्रूकेड स्ट्रीट। यहां पर ऐसे 8 टर्न्स हैं। देखिए, आप देख सकते हैं कि गाड़ियां कैसे घूम घूम कर जा रही हैं। यहां बहुत ही केयरफुली ड्राइव करना होता है। यहां की जो स्पीड लिमिट है वो सिर्फ 5 miles per hour है, और बहुत ही अच्छा व्यू आता है गाइस यहां से। आप बस व्यू देखिए यहां से, वहां पे आपको दिखेगी बे, वहां पे आपको दूर दिखेगा बे ब्रिज, और जो बीच में आपको एक टॉवर दिख रहा है वो है क्वाई टॉवर। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, वो है क्वाई टॉवर, वो दूर है बे ब्रिज। पहले वहां चलता हूँ, थोड़ा वॉक करूंगा, आपको थोड़ा दिखाता हूँ डिटेल में, फिर एंड में ड्राइव करेंगे। गाइस, थोड़े से मैं आपको फैक्ट्स बता देता हूँ। तो गाइस, ये जो रोड थी वो टूरिस्ट स्पॉट के लिए नहीं बनाई गई थी। तो एक्चुअली बहुत ही स्टीप रोड है, इसका स्लोप है अराउंड 27% ग्रेड। यहाँ पे ड्राइविंग सेफ नहीं थी, तो ड्राइविंग को सेफ बनाने के लिए यहाँ पे 8 ऐसे शार्प टर्न्स बना दिए गए, जिससे कि यहाँ ड्राइविंग सेफ हो गई। हर साल लगभग 2 million लोग आते हैं यहाँ पे। ये प्री कोविड के नंबर्स होंगे, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कोविड में कितने लोग आ रहे हैं, बट ऑन एन एवरेज यहाँ पे 2 million टूरिस्ट आते हैं इस रोड पे। अभी मैं आपको स्ट्रीट नीचे से भी दिखा देता हूँ। तो गाइज, नीचे से कुछ इस तरह से दिखती है लोम्बार्ड स्ट्रीट।
जैसा कि आप देख सकते होंगे सारी गाड़ियां ऊपर से नीचे आ रही हैं, वो 8 टर्न्स लेके। और ये रोड जाएगा डायरेक्ट एम्बार्केडेरो, जिसके बारे में मैं अपने पुराने वीडियोस में बता चुका हूँ। बहुत ही बेहतरीन लोकेशन है, जो कि एकदम बे पर है। तो गाइस, क्वेश्चन अब ये है कि क्या ये वर्ल्ड की मोस्ट क्रूकेड स्ट्रीट है? अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे मोस्ट क्रूकेड स्ट्रीट इन द वर्ल्ड, तो आई एम प्रीटी श्योर कि मोस्ट ऑफ द रिजल्ट्स में लोम्बार्ड स्ट्रीट आएगी। लेकिन ये सैन फ्रांसिस्को में भी क्रूकेड स्ट्रीट नहीं है, लाइक मोस्ट क्रूकेड स्ट्रीट नहीं है। यहाँ की जो मोस्ट क्रूकेड स्ट्रीट है सैन फ्रांसिस्को में, वर्मोंट स्ट्रीट है, बट वो इतना बड़ा टूरिस्ट स्पॉट नहीं है। अगर आप वर्ल्ड की मोस्ट क्रूकेड स्ट्रीट की बात करें तो वो स्नेक एली है, जो कि यहाँ पे यूएस के एक आयोवा स्टेट में है। मुझे बिल्कुल नहीं इसका आइडिया है कि क्यों इसको बोला जाता है मोस्ट क्रूकेड स्ट्रीट, जबकि ये रियल में नहीं है। ड्राइव स्टार्ट करने वाला हूं लोम्बार्ड स्ट्रीट पर। Alright guys, इसी के साथ अभी अभी हमने जस्ट ड्राइव किया लोम्बार्ड स्ट्रीट पर। गाइज, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं एंड करता हूं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज जाके देखिए, मैं सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप अगर चाहते हैं कि मैं सैन फ्रांसिस्को में या आसपास के किसी एरिया में कोई स्पॉट कवर करूं, तो फील फ्री टू मैसेज मी ऑन ईदर इंस्टाग्राम और फेसबुक। दोनों जगह मेरा यूजर नेम है ऋषभ मिश्रा ब्लॉग्स। मैं मिलता हूं आपको अपने अगले वीडियो में।